हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में देखा लिखा हुआ था कि जो गौरव जोन पहले गौरव जोन अब वायरल आंटी, अभी इसी के बारे में हमें कुछ बात करनी है। काफ़ी टाइम हो गया मैं यूट्यूब पे देख रहा था कुछ, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले गौरव जोन की कुछ बारे में चल रहा था, मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे देख रहा था। देखो मेरा ये वीडियो बनाने का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मकसद अपना जो है मोटिव वो क्लियर कर दूं, अगर मुझे कोई व्यू चाहिए होते, अगर मुझे वहाँ पे कोई अपना सब्सक्राइबर गेन करना होता, कोई कंट्रोवर्सी मुझे पढ़ना होता, तो मैं उस गौरव जोन वाले और एंडी गुजर और गौरव जोन के बीच में जो हुआ था मैं उसमें स्टार्टिंग में ही पढ़ जाता, तो अपना वहाँ से व्यू आ जाते, कुछ एक सब्सक्राइबर मुझे मिल जाते। लेकिन मुझे लगा नहीं यार, इन जैसी चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, इस चीज़ से मुझे दूर रहना चाहिए। तो उस चीज़ से हटे, अब क्या हुआ, अब एक चीज़ और आई हुई है वायरल आंटी। वायरल आंटी के बारे में आप काफ़ी सारी वीडियो पहले ही देख चुके हैं, थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग से क्लियर कर लेते हैं। अभी जैसे कुछ दिनों पहले जैसे गौरव जोन का जो विषय चला था उसमें क्या था कि गौरव जोन, इसमें एक गौरव नाम का एक लड़का है जो व्लॉग करता है, और जो पुलवामा में जो हमारे जो जवान शहीद हुए थे उन जवानों को फैमिली फैमिली की मदद करने के लिए, तो गौरव क्या करता है, कुछ एक लाइव स्ट्रीम करता है, कहता है कि हम लाइव जाएंगे, कुछ पैसे आएंगे और वो हम उन फैमिलीज को, उन जो परिवार हैं जो हमारे जवान जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को वो देगा। लेकिन क्या होता है कि उसकी जो अंदर इंटेंशन जो होती है वो ये होती है कि वो रुपए जो है वो खुद रखेगा। ये जो इसका एक्सपोज जो है वो एंडी गुजर वो कर देता है वहाँ पे एक वीडियो या ऑडियो उसकी सुना के, एटलीस्ट उसे अब जो रुपए हैं वो परिवार को वापस करने पड़ते हैं। तो ये जो सिलसिला चला ये काफ़ी गर्म चला और चलना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जवान जो सरहद पर मतलब कि सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं, मतलब देश के लिए वो कुर्बान करते हैं सब कुछ अपना, ये हमारे जवानों से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, कंट्रोवर्सी जो चल रही है वो वायरल आंटी के ऊपर चल रही हैं, कि उसकी उनकी जो एक वीडियो आती है वो 13 मिनट की एक वीडियो होती है, उस 13 मिनट में मुझे नहीं पता वो बात क्या होती है, मतलब किस बात पे वो वीडियो स्टार्ट होती है, वो वीडियो स्टार्ट हो रही होती है किसी कोई मुझे नहीं पता। बीच में फिर एक वीडियो आती है जिसमें आंटी बहुत गुस्से में उन लड़कियों पर भड़क रही होती है, और वो उस वीडियो में कहती है कि छोटे कपड़े पहनने वाली जो लड़कियां हैं उनका रेप हो जाना चाहिए, ये वो बात बोलती हैं। देखो एक जो एक रेप वर्ड होता है ना, एक बहुत एक घिनौना वर्ड, जिसे कि अगर आप सोचोगे बैठ के तो इससे आत्मा तक अपनी कांप जाती है। जो ये काम करते हैं ऐसा घिनौना काम करते हैं, तो उनको तो मतलब कि उनको लटका देना चाहिए सरेआम, ताकि फिलहाल मैं रेप पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि बात मेरी वो है भी नहीं। मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि एक लक्ष्य चौधरी नाम का यूट्यूबर है, उन्होंने एक अपनी एक वीडियो बनाई इसी वायरल आंटी के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी वीडियो है। जो अपना जो मेन मोटिव है वो उनमें बताने की उन्होंने कोशिश की है कि भी हाँ क्यों क्या है, किस लिए वो वीडियो को लोग वायरल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जब जो चीज़ वायरल करनी चाहिए थी पुलवामा वाले अटैक को, जब उनको ये लगा था कि भी यहाँ पे सपोर्ट दिखाना चाहिए अपने जवानों को, तब तो वो वहाँ नहीं थे, लेकिन इसमें जब सॉफ्ट टारगेट मिलता है तो यहाँ पे सब कूदते हैं। तो एक अच्छी वीडियो है, जाके देखना, लक्ष्य चौधरी लिखना यूट्यूब पे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, आपको वीडियो आसानी से मिल भी जाएगी। तो एक काफ़ी अच्छी वीडियो उन्होंने बनाई, तो उनकी एक वीडियो के उनकी वीडियो के रिएक्शन में एक वीडियो बनाते हैं एक टेक्निकल दोस्त वीडियो बना के क्या करते हैं, कहता है कि लक्ष्य चौधरी डिफेंड कर रहा है वायरल आंटी को। अब देखो यार, अब टेक्निकल दोस्त शायद वहाँ मौजूद था जब जहाँ ये हकीकत जहाँ ये वायरल जो जो माता जी हैं जो जो वो महिला है उन लड़कियों के साथ बहस कर रही थी, शायद वह मौजूद था, क्योंकि उनकी जो वो अपनी वीडियो में बताते हैं कि बात ऐसे हुई थी, लड़कियां बड़ी पोलाइट से बोल रही थी, जो जो महिला थी वो माता जी जो थी वो गुस्से में हो रही थी, वो पहले भड़की थी उनके ऊपर, फिर वो जो लड़कियां हैं वो बहुत पोलाइट थी उन पोलाइट लड़कियों को, फिर बाद में बहुत जाके जो माता जी हैं उन्होंने माता जी ने क्या किया, 13 मिनट तक उनको टीज की मतलब कि उनको परेशान किया, उनको मतलब काफ़ी देर तक पीछा किया उनका, तब जाके उन लड़कियों को गुस्सा आया, फिर
फिर उन्होंने वीडियो बनानी स्टार्ट की, वीडियो बनानी स्टार्ट की तो माता जी ने कहा कि तुम छोटी लड़कियों का रेप हो जाना चाहिए, और वो उनसे माफ़ी मंगवाने लगी। ये वो टेक्निकल दोस्त ज़्यादा अच्छे से जानते हैं जो अपनी वीडियो में ये बात बताते हैं, ठीक है। एक वीडियो देख लेना उनकी भी। अब ये वीडियो देखने के बाद, जो टेक्निकल दोस्त की वीडियो देखने के बाद, यार कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक इंसान एक यूट्यूबर व्यू पाने के लिए किस कदर भूखा होता है। मतलब वो बात को समझता नहीं है कि क्या बात हो रही है, क्या बात चल रही थी, बिना उसको जाने, बिना उसको समझे कि हकीकत बात क्या थी, हकीकत में क्या था, क्या रीज़न था वहाँ पे। बस बना दो एक वीडियो, लोगों को दे दो, परोस दो, हर एक तकियान उसी चीज़ के ऊपर वो वीडियो ले आएंगे, क्योंकि व्यू चाहिए, व्यू चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, कुछ ना कुछ तो वीडियो बनानी है ना यार। ऐसे थोड़ा ना खाली चैनल छोड़ देंगे, अगर रोज़ वीडियो डालेंगे तब तो सब्सक्राइबर बनते चलेंगे, उनको पता चलेगा चैनल एक्टिव है, क्लियर ना। उनको दिखाना पड़ता है ना एक्टिव चैनल है, कुछ ना कुछ रोज़ आता है, कंट्रोवर्सी भी आ जाती है। टेक्निकल दोस्त के नाम से चैनल है जहाँ टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए थी, वहाँ टेक्निकल के अलावा क्या है कि हम सारी चीज़ें जो खुद से बना सकें वो सारी चीज़ें भी हम वहाँ डालते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये एक्टिव चैनल है, यहाँ सब चीज़ें चलती हैं। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी वीडियो में बताते हैं कि अपने पॉइंट को बताते हैं, और उस पॉइंट में वो, यार तुम खुद देख लो जाके उस वीडियो में कहाँ पर वो जो अपने पॉइंट को कहाँ तक साबित कर पाते हैं, कहाँ तक वो अपने उस पॉइंट के ऊपर खड़े उतरते हैं। नीचे कमेंट भी पढ़ना, क्या कमेंट मिलेंगे। यार इंसान को ना पहले सोचना चाहिए। अगर माना चलो तुम कुछ बोल रहे हो, एक 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 13 लाख सब्सक्राइबर हैं, यार कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अपना मुंह खोलने से पहले ज़रा सोच तो लो ना, तुम क्या बोल रहे हो, कितनों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या तुम बोल रहे हो, क्या चीज़ तुम शेयर कर रहे हो लोगों के सामने। तो एक बार जाके वीडियो देख लेना, पहले लक्ष्य चौधरी की वीडियो देखना, फिर जाके इन महारथी की वीडियो भी देख लेना, पता चल जाएगा, क्लियर। और एक खुद से एक क्या काम करना, जो ये वायरल आंटी की जो वीडियो है, माता जी की जो वीडियो है, ये वीडियो क्या है, ये पहले खुद भी देख लेना। 13 मिनट की वीडियो है, किसी के पहले जिन्होंने नहीं देखी तो एक बार पहले खुद देखना कि बात क्या हो रही है वहाँ पे, क्या चीज़ें हो रही थी। जो उन महिला को काफ़ी देर तक पीछा, वो चार लड़कियाँ आती हैं, वो चार या पांच होती हैं मुझे नहीं पता, उनको चेज कर उनका पीछा करती हैं, उनको तंग करती हैं, पूरे जो मॉल है वो रेस्टोरेंट में घूमती हैं, उनको काफ़ी देर तक वो तंग करती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं, उनके बोलने के एक्शन को वो मजाक उड़ाती हैं, वो सब चीज़ें करती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं दिखती भाई साहब। क्योंकि क्या होता है कि उन महिला ने ना एक वर्ड यूज़ कर दिया जो काफ़ी ख़राब था, बहुत गलत था, लेकिन गुस्से में था। गुस्से में तो हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं यार, गुस्से में तो हम बहुत चीज़ें बोल जाते हैं, बहुत चीज़ें हम गुस्से में बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि गुस्से में जो इंसान ने जो चीज़ बोल दी उसे बदनाम करते, उसने बदनाम कर दो पूरे यूट्यूब पे, उसे वायरल कर दो, अब उसे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाओ, ये चीज़ें थोड़ा होती हैं गुस्से में। कि इस वीडियो में जो महिला, जो माता जी हैं, वो ये बोलती हैं कि भी छोटे कपड़े पहनने वालों का रेप हो जाना चाहिए। बाद में अगर पूरी वीडियो देखी है तो इस बाद में वो लड़कियां उनको क्या बोलती हैं, इसको ले चलो बाहर, सुन लो वीडियो क्लिप सुन लो। इसमें क्या बोला इन्होंने कि इसको ले चलो बाहर, चार बार बोली ये बात कि इसको ले चलो बाहर, इसका पूरे कपड़ों में रेप कराएंगे, इसको ले चलो बाहर, इसका पूरे कपड़ों में रेप कराएंगे, एक बार नहीं चार बार। और फिर भी उनको क्या बोल रहे हैं, वो गंदे गंदे वर्ड फकिंग का यूज़ वहाँ पे वो कर रहे हैं। और कुछ महान यूट्यूबर जो आते हैं, वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं यहाँ पे आके, वो क्या बोलते हैं, वो खुद इन माता जी को गाली देते हैं, ठीक है। उनको ये बोलते हैं इनको बदनाम करो, इनको बदनाम करेंगे तब इनके बच्चे जाके सुधरेंगे, वो ख़राब हैं, ठीक है। अगर इनको बदनाम नहीं किया तो उनके बच्चे कल को जाके बलात्कारी एक रेपिस्ट बन जाएगा। वाह वाह, क्या सोच है इंसान की ना, मतलब यार सही बात बोली यार उस इंसान ने, लक्ष्य चौधरी ने, कि सालों तुम कहाँ मर गए थे, तब जब जाके तुम, जब पुलवामा अटैक हुआ था तब तो सिर्फ RIP लिख के बैठ गए थे, तब क्यों नहीं किया तुम लोगों ने भैया कोई यहाँ पे हंगामा, तब तुम्हारी आवाज़ कहाँ गई थी, तब तो फटके हाथ में आ गई थी तुम लोगों की, तब तो तुमसे बोला नहीं जाता। लास्ट में जब ये लड़कियाँ उनको ये बोलती हैं, माता जी को ये बोलती हैं कि भी इनको ले चलो बाहर, इनका रेप करेंगे बाहर जाके पूरे कपड़ों में। अब मुझे ना थोड़ा इसमें ना फेमिनिस्ट बनूं तो मैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार, मैं लड़कियों को अब यहाँ सपोर्ट करूं या उस माता जी का मैं विरोध करूं, समझ नहीं आ रहा ना यार मुझे, अब क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे
इस चीज़ में। अब लास्ट में वो ये बात बोलती हैं, महिला जो माता जी ने वो बात बोल दी, अब क्या हो गया उनके बीच में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या अब उन लड़कियों को गुस्सा आ गया, अब उन गुस्से में उन्होंने ये बात बोल दी, तो ये बात कहीं ना कहीं जायज़ रखूँ क्या मैं ये चीज़, अब उनके प्रति मैं जायज़ रखूँ, या महिला ने जो जो उन माता जी ने जो पहली बात बोली वो गलत थी, लेकिन अब उनके डिफेंड में उन जो उन लड़कियों ने जो बोल दिया उनको, अब वो सही हो गया, क्योंकि भाई वो तो उन्होंने बाद में बोला ना, डिफेंड करने के लिए बोला अपने आप को, वो सही हो गया वहाँ पे, वो गर्ल पावर उन्होंने दिखा दी वहाँ पे। आप ये सारी चीज़ों का जवाब जो है ना, आप उन यूट्यूबर से मांगो जो उनको बदनाम करने में लगे, ठीक है, जो ये रक्षा कर रहे हैं ना, डिफेम करने में लगे हैं और रक्षा करने में लगे हैं कि लड़कियों की, या फिर ये जो चीज़ें करने में लगे हैं, उनसे जाके ये ज़रा सवाल पूछो कि अब क्या करें भाई। अब लड़कियों ने तो ये बात बोली, पूरी वीडियो देखी नहीं यार, आगे महारथी यूट्यूब पे लोगों को ये बताने, भाई शेयर करो इस चीज़ को, वायरल कर दो, हम इससे माफ़ी मंगवा के रहेंगे। मतलब क्या है ना यार, एक महिला मिल जाती है और उस महिला के ऊपर देख लो यार, जो इंसान ये बोल रहा है कि हम उन लड़कियों से, उस महिला से माफ़ी मंगवा के रहेंगे, वायरल कर दो, इनको बदनाम कर दो, वो इंसान खुद वहाँ पे उनकी इज्जत नहीं कर रहा है। उनकी उम्र देखो यार एक बार, एक उम्र का तो एक होता है ना, उनकी उम्र का एक, किसी की बुजुर्ग महिला होती है जिनका, उनकी उम्र का तो लिहाज होता है, उनको तो वो तक नहीं है, तो क्या खाक कर लेंगे रक्षा किसी की, जिनको समझाना चाहिए, जहाँ पे समझा के चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पर वो ये चीज़ें करा कर उनको बदनाम करके वो क्या साबित कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, वो क्या है, वो हाथ जोड़ के विनती है, देखो कुछ भी ऐसा शेयर मत करो। ये जो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, तो तुम्हें बोल देते हैं कि भाई इसको कर दो, या इसको वायरल कर दो, या इन चीज़ों को कर दो। देखो यार, खुद का अपना दिमाग खोल के इसका इस्तेमाल करो, भगवान ने दिया है ना, उसका यूज़ करो अच्छे से। कुछ भी ऐसा शेयर मत करो जिससे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। उस महिला के भी बच्चे हैं, ठीक है, उनका भी परिवार है, उनको भी सही से जीने दो। एक गुस्से में बात बोली गई, उसको मतलब इतना वायरल कर देना, उनके ऊपर इतना बदनाम उनको कर देना, ये कहाँ तक जायज़ था यार। बात बोलने की होती है ना, जिस पे बात बोलनी चाहिए, तब ये जो सोशल इन्फ्लुएंसर है, तब ये दुबक के बैठ जाते हैं, तब ये बोलते नहीं हैं, इनकी आवाज़ नहीं निकलती है तब। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं निकलनी चाहिए थी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, तब तो इनको बोलना चाहिए था, तब तो इनकी फटके हाथ में आ जाती है। तो एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही बोलूँगा कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ असर पड़ रहा होगा, तो देखो मैं यही कहूँगा, किसी भी सोशल इन्फ्लुएंसर की बातों का शिकार मत बनो, अपने माइंड का खुद इस्तेमाल करो, और वो चीज़ शेयर करो जिसको आपने खुद अपने दिमाग और दिल से अच्छे से पैमाने पे माप लिया है कि हाँ मुझे ये चीज़ शेयर करनी है, किसी के कहने पे नहीं करनी है, ठीक है। किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करो। एक केस याद होगा, जैसे एक वो सरदार के लड़के के ऊपर किसी लड़की ने केस कर दिया था, ये चीज़ें मत करो यार। एक हरियाणा में भी एक कांड हुआ था, एक लड़के को दो लड़कियाँ पीट रही होती हैं रोडवेज बस में, बाद में उस लड़कियों को बहुत सी मतलब वाहवाही देने के लिए, यहाँ तक कि राष्ट्र आया था उनको सम्मान देने के लिए, लेकिन बाद में जब चीज़ें साबित हुई ना, ये वो ही थे जिनको मतलब वायरल कर दिया गया था, उस लड़के को लड़कियों ने पीट दिया, भाई देखो कैसी इंपावरमेंट है, लड़के को लड़कियों ने पीट दिया। देखो यार, लड़का भी मार सकता था वहाँ पे, लेकिन वो खड़ा रहा चुपचाप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कुछ भी ऐसा शेयर मत करो, क्योंकि यार देखो इन सोशल इन्फ्लुएंसरों के चक्कर में किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कल को यार तुम में से किसी की बारी आ सकती है, सोचो तब क्या बीतेगी। तो कुछ भी ऐसा शेयर मत करो, ठीक है, शेयर करके क्या साबित कर रहे हो यार, कुछ नहीं बनोगे, ठीक है। तो अलविदा चाहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।